स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्य। दिनांक है 30 अगस्त 2023, विक्रम संवत 2000। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। पक्ष है वर्षा। दिनांक है 28 अगस्त 2023, विक्रम संवत। आज का वार है बुधवार। चल रहा है श्रावण मास है। शुक्ल पक्ष पर्व है। आज के नक्षत्र की बात करें तो धनिष्ठा। आज का वार है सोमवार। रात्रि 8:47 का व्रत है। आगे फिर शतभिषा। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूरे दिन अतिगंड है। रात्रि 9:32 तक आगे शुक्र आयुष्मान है। सुबह 9:55 तक आगे सौभाग्यों के लिए शुभ नहीं है। योग की दृष्टि से आज करण वणिज है। 11 बजे का पूरा और आगे फिर वृष्टिकरण रहेगा। करण बालव है। शाम 6:24 तक आगे तैतलकरण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:05 और सूर्यास्त का समय शाम 6:51 का है। आज का राहुकाल दर्शकों सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। कार्य या लंबी यात्रा नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा भी नहीं करना चाहिए। आज मान्य नहीं है। सुबह 7:30 से 9 बजे आ रहा है। दिन में दो बार दुष्ट मुहूर्त करें, जय दुर्गा या दुर्गा दुर्गा, 12:01 और 12:52 योग कारक बने। ध्यान से समझ के सूझबूझ से अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:02 से 12:53 के बीच है। पहली कोशिश दिन में चार बार दुष्ट दिशा की यात्रा को टाल समझिएगा। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो ये है दोपहर 12:53 कैसे होगा। 1:44 दोपहर 3:27 थोड़ा सा धनिया चार बजे मूंग के दाने खा के 5 कदम पीछे। आज का दिशाशूल दर्शकों क्रिया के दौरान अपने पहली कोशिश ये करेंगे पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन जाना जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके दिशाशूल की तरफ चलिए। यार बहुत सरल है, हमें साथ रहिए। ऐसा करेंगे दर्पण में अपना यात्रा मंगल में और 5 कदम पीछे सिद्धि होगी। और जब आप ये पूरी प्रक्रिया करें तो भगवान श्री राम या अपने अपने आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने दिशा की यात्रा कीजिए। वो है सुबह 8 बजे से लेकर 9:15 और दिशाशूल आपको सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। आज का शुभ समय 10 बजे से लेकर शाम 6:45 समय है। वो है सुबह 9:15 से रात 11:50 तक। फिर दोपहर 2:10 बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ है। तो कोई दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ है, योग कारक है, चांसेस रहेंगे। तो अच्छे अच्छे एफर्ट्स करें तो इन समय आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है। सुबह 10:10 तक आगे कुंभ राशि आज की चंद्र राशि कार्यालय में वर्कलोड ज्यादा मिलेगा और लेकिन आप उसे सूझबूझ से मिथुन राशि वालों को भाग्य देगा। नया वृष राशि वालों को ऊंचाई पाने के अवसर मिलेंगे। कर्क राशि वालों को जीवन में बड़ा स्वास्थ्य में समस्याओं के साथ साथ ध्यान रखना है। मिथुन राशि वालों को सींग वाले पशुओं के साथ साथ लग जाए आज दुर्घटनाओं से। राशि वाले सचेत रहना है, उनको योग्य कर्क राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन में राशि वालों को पैसे में लेन देन में रखनी है सावधानी। राशि वाले इसकी वजह से कोई बड़ा विवाद उचित रह सकते हैं आज। तुला राशि वाले जो छात्र छात्राएं निर्णय क्षमता मिलेंगे आगे बढ़ा। राशि वालों को आएगा ख्याल और वृश्चिक राशि वालों या वाहन जनक स्थिति का और वृश्चिक राशि वालों को किसी धनु राशि वाले जो लोग लेखन से अध्यापन से जुड़े हैं उनके धनु राशि वालों को धन लाभ होगा। मकर राशि वाले फ्यूचर को लेकर प्राप्त करेंगे विशेष प्लानिंग। वहीं कुंभ राशि वालों मकर राशि वाले आज भीतर से अकेलापन खालीपन महसूस करेंगे और मीन राशि वालों को किसी भी तरह की कुंभ राशि वाले किसी बड़े निवेश में पैसा अटका सकते हैं जो कि लाभदायक। दर्शकों आप करते हैं बात आज के दिन की राशि वालों को मिलेगी और आज के दिन के पर्व की और इस शुभ दिन के। अब बात करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा पर जो आपकी हमारी रक्षाबंधन का सुंदर पवित्र पर्व है। आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से पौराणिक दिव्य और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे पुराण के अनुसार देवदानव और समय में दानवों के हावी होने पर। दर्शकों एक बहुत ही सुंदर दोहा है कबीरदास जी का पति के हाथ पर बांधकर और परमात्मा से दोनों प्रकार के ज्ञान और लंबी आयु की प्रार्थना की इस प्रकार है। और इंद्र जिन खोजा आखिर गहरे पानी श्रावणी पूर्णिमा होने से ये प्रथा डरा लगी। आरंभ में गुरु शिष्य पति की जो प्रयत्न करते हैं भी रक्षा सूचना कुछ पा लेते थी जैसे कोई लेकिन कालांतर में ये प्रथा भाई की गहरे पानी में जाता है और रक्षा कुछ ना कुछ लेकर ही आना। लेकिन बदले में भी लोग होते हैं भाई द्वारा के भय से किनारे पर बैठे के रूप में जीवन विकसित हुई कभी भी कुछ न कर पाते। साधारण सा ये सूत्र दोहे को सांसारिक अर्थों में समझे तो वही लोग सफल और दीर्घायु देने में जो कदम उठाते हैं। महाभारत में ऋषिपाल वध के समय जो भगवान कृष्ण की अंगुल प्लानिंग नहीं बनाते बल्कि एग्जीक्यूशन में लग जाते हैं तो द्रौपदी ने आध्यात्मिक अर्थों में समझे का किनारा होने से कितने जन ऐसे होंगे जो रोजाना सोचते हैं अपनत्व का भाव से पूजा पाठ हवन ध्यान को हर संकट से बचाने का
वचन देकर उतारा। लेकिन करते चीर हरण का समय हो, वास्तव में किनारे पर बैठे विभिन्न अवसरों पर पाना है भगवान से, गहरे में उतरना होगा और कदम रक्षकाने होंगे। याद की ज्ञान चर्चा अन्य मतानुसार राजा बलि के भक्ति पाश को आप करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की आप माता ने सरल नारद मुनि के कहने पर श्रावणी पूर्णिमा को बलि राजाओं को बहुत रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया था और अपने पति भगवान श्री नारायण विष्णु को सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। दर्शकों इस बार भद्रा सुबह 11 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे के 3 मिनट तक दूध में गंगा जल भद्रावास भगवान शिव पर होने का अभिषेक करें और राखी बांधना सही नहीं का पाठ मंदिर में बैठ के या तो सुबह 11 बजे से 27 माला या फिर रात्रि 9 बजे के 3 मिनट के बाद से लेकर कर दें कल सुबह और पूर्णिमा तिथि रहते रहते सुबह 7 बजे से पहले राखी बांधना 1:30 से 2 बजे के बीच में। हालांकि सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप रात्रि 9 बजे के 3 मिनट के बाद ही बांधे हैं, जो सुबह 11 बजे से पहले मिठाई चतुर्दशी तिथि रहेगी। आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर राखी बांधने का जो मंत्र है वो इस प्रकार है आपके साथ जैन बद्धो बलि राजा। ऐसे दर्शकों जो लोग गृह पीड़ा से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं या जिनके सक्षे मां चल मार चल जा रहे हैं पितृ दोष फिर से समझते हैं दोष हो चुका है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तीमे त्वामघरा पश्चिमे तो शरण लीजिए मां चल की और शुरू कीजिए बढ़ते हुए मंत्र जपते हुए। अगर आप राखी बांधते हैं शिवालय जाएं पंचोपचार से शिवजी का पूजन करें शिवलिंग दर्शकों ज्योतिषीय दृष्टि से यदि गंगा जल अर्पण करें और राशि के जातमाला यदि लाल रंग की राखी बांधी जाए ना शुरू कर मिठाई में लाल भूरे दिनों में आपके साथ चमत्कारों की शुभता भी बहुत ज्यादा प्राप्त हो जाएगा कि अब सब कुछ कृपा बनेगी और मेषर वृश्चिक राशि के जातक है पर मंगल की यशांक के विभाति कंपा रहती है सुता कहें कि बहुत ही ज्यादा प्रभाव रहता है इन बाल भगवान हनुमान जी गरलम इस दिन लाल रंग की राखी लाल राग का प्रसाद सो आयश अर्पित करना चाहिए इससे हमेशा आपकी रक्षा होती रहेगी और एक दिव्य मार्गदर्शन आपको हमेशा मिलता रहे। श्री शंकर ऐसे वृष और तुला राशि पूरा एक श्लोक है अधिपति होते हैं शुक्र यानी शुक्र का सीधा सीधा प्रभाव वृष और तुला राशि पर होता है। ऐसे ही कर्जे से परेशान लोग श्वेत धागे से बनी हुई राखी पांच बंधवानी चाहिए और इसी रंग की मिठाई इनको चांदी का तार लें। देवी रक्षा और कृपा प्राप्त करने के लिए आप भगवान शिव जी के मंदिर जाकर से अभिषेक करके कपड़ा में राखी अर्पित करें और आशीर्वाद लें तो बहुत ही विशेष हर वस्तु पर्व आपके लिए रहेगा। दारिद्र दुख देने वाला वर्ष रहेगा दारिद्र दुख देने वाला। ऐसे ही मिथुन और कन्या राशि के जातक जिनके अधिपति बुध कपड़े को पोटली के रूप में पकड़े होता है कहें कि नाथ हरे रंग की धागे की राखी करनी चाहिए ऋण से मुक्त करवाइए इसी रंग या मूंग की बनी हुई मिठाई अर्पित कर दें। भगवान श्री गणेश जी रियाज से शुरू करके सात सोमवार आप कर लेते हैं समस्याओं और निश्चित रूप से गणेश जी को मौली में बनी हुई दुर्गा की राखी साधन बनेंगे और आप तुलसी की बनी हुई राखी अगर आप अर्पित करते हैं तो बहुत ही ऐसे दर्शकों जिन लोगों को राजनीति में आगे बढ़ना हो या वो लोग जो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या मार्केटिंग सिंह राशि एडवर्टाइजिंग का क्षेत्र हो या वो लोग चंद्रमा और सूर्य की कृपा रहती है क्योंकि जो है वो पीले रक्षा सूत्र बांधे जाए और इसी रंग की मिठाई बहुत ही ज्यादा विशेष शुभ राशि और प्रतिष्ठा अच्छा फल प्राप्त करने के लिए ईश्वर की अनुकंपा और रक्षा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव जी को चंदन अर्पित करके श्वेत गुलाबी रक्षा सूत्र आप अर्पित करें बहुत बड़ी कृपा शिवाय बनी रहेगी करके देखिए। धनु और मीन राशि के जो जातक हैं जिनके ऊपर बृहस्पति का सीधा प्रभाव होता है आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी समस्याओं से आपके धागे से बने हुए रक्षा सूत्र पूरी कर रहे हैं और इसी रंग की मिठाई करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास के लिए ईश्वरीय रक्षा प्राप्त दर्शक अभिनव यादव रुद्राक्ष की छोटी 12 अगस्त 2004 के रूप चार का इनका जन्म है। शिव जी को आप 9:08 रात्रि जप मोघ रक्षा किया विदेश जाने के योग ऐसे मकर और कुंभ राशि के जो जातक हैं यानी निवास स्थान नीले रंग का रक्षा सूत्र पहने और लग्नेश पर शनि का सीधा प्रभाव का संबंध आपके जन्म पत्रिका में नीले रंग के रक्षा सूत्र में रुद्राक्ष अवश्य लगाओ साफ साफ दर्शा रहा है कि आप विदेश जाएंगे मिठाई वहाँ काम धंधे के कृपा प्राप्त करने के लिए और अमोघ रक्षा प्राप्त करने के लिए इसके लिए आप भगवान भैरव जी जनकनाथ जी को या काली मंदिर में जाकर रुद्राक्ष की बनी राखी अर्पित करें आशीर्वाद लें तरक्की करें अमोघ रक्षा आपकी होगी ईश्वरीय अनुकंपा अवश्य करवाएं एक अच्छा सा मुहूर्त। दर्शकों ये था आज का पंचांग आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे और ज्ञान दर्शक ओम प्रकाश जी चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं 23 फरवरी 1978 का जन्म है दोपहर 1:37 सही विधि सटीक समय समस्या बहुत श्रद्धा के साथ करके पूरा पूरा लाभ ये ओम प्रकाश जी मिथुन ज्ञान चर्चा सत्संग राशि की जन्म पत्रिका हम उतारेंगे और धीरे धीरे जीवन है शिवमय सत्यमय और आनंदमय चतुर्थ में राहु है जिस पर रोग कारक देव से प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे बताए हुए उपाय जब जब करें तो आपके कष्टों का निवारण भी हो सब स्थितियां मनोकामनाएं पूर्ति अवश्य पेट हृदय और एलर्जी के समस्या में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधु बुद्ध शुक्र के साथ आपका कल्याण करवा लीजिए मंगल राहु की शांति करवा लीजिए साथ ही साथ नित्य 11 माला ओम ह्रीम जूम सह इस मंत्र
पंजाब कीजिए, निश्चित रूप से आपको आराम आएगा। दर्शकों ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। पंडित चंद्रशेखर शर्मा की आशा करता हूँ, मैं हूँ दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्य में और भाग्य के इस विशेष सेगमेंट में, जहाँ पर आप हम हर रोज ओरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम इसे और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। तो आप तो जानते हैं कि हम इसके लिए डिवाइन गाइडेंस लेते हैं जो कि 1 से लेकर 9 मूलांक तक की होती है। यदि आपने हमारे कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है, आपको नहीं पता कौन सा है आपका मूलांक, तो एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 4, तो 4 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 30 अगस्त 2023, और आज की जो तारीख है 30, अगर हम उसे जोड़ते हैं तो देखिए शून्य को कम नहीं लेंगे, नंबर 3। तो आज की तारीख का जो मूलांक है वो है नंबर 3। आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्य में और भाग्य के इस विशेष सेगमेंट में, जहाँ पर आप और हम लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक विशेष इन्फॉर्मेशन। आज के दिन मुझसे ये प्रश्न पूछा गया कि हम किस प्रकार से अपने कार्यों का चुनाव कर सकते हैं, कि हमें कौन से समय की गाइडलाइन गाइडेंस हमें प्राप्त हो, तो क्या किसी भी प्रकार की जानकारी हमारी चैलेंज को पद्धति में है, क्या किसी पुस्तक में इसके लिए आप तो जानते ही हैं कि बिल्कुल है दोस्तों। और आपको मैं पहले भी नाड़ियों के बारे में, यदि आपने हमारे कार्यक्रम हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं आपका मूल, लेकिन मुख्य तीन नाड़ियां हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अगर आपके जिसके बारे में आपको पहले बता चुकी हूं, तो एक और क्या करना है कि आपको अपनी उंगली को अपने यहां पर रखना है और आपको देखना है कि कौन सा स्वर चल रहा है, और आज किसी भी एक नासिका से स्वर जो है वो अधिक चल रहा है, सांस आ रही होगी। तो एक उदाहरण के तौर पर अगर आपकी राइट आता है नंबर 10 सांस आ जा रही है, यानी कि आपकी सूर्य नाड़ी से यानी पिंगला से, अगर पिंगला से आपका श्वास एक आ जा रहा है तो मतलब कि उस समय आप जानते हैं कि सूर्य जो है वो एक्सरसाइज करने का टाइम है, यानी फिजिकली आप कोई भी काम कर सकते हैं। जब भी कभी आपको किसी भी दिन ऐसा बल का प्रयोग करना है, डल फील कर रहे हैं, शारीरिक आपको अगर कोई काम करना है, जैसे आपको दौड़ लगानी है, आपको झाड़ू लगानी है, आपको बताया जाना है पिंगला, यानी कि सूर्य नाड़ी जो है उठाना है, उसको आपको उस समय क्या करना है, अपनी चंद्र नाड़ी को आपको बंद करना है, लेकिन अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा हो यानी कि आपको ऐसा करना, लेकिन बहुत अधिक कि चंद्रमा का नॉस्ट्रल अगर चल रहा हो 15 बार भी करें, क्या कार्य करने की आपकी श्वास से रिलेटेड होगी, और आपकी जो बॉडी भी आप कार्य करें फिजिकल मन से रिलेटेड बुद्धि से रिलेटेड आपको काम करना है, जो कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते हैं, मान लीजिए आपको कोई पुस्तक पढ़नी है, आपको रेजोनेट करना है, बहुत सोच समझ के प्राप्त करनी है, तो मेडिटेशन करना है, योग करना है, आपको अगर ऐसा कोई भी काम करना है जहाँ पर आपको बहुत अधिक शांत रहने की जरूरत है, एक तो वो सभी काम आप क्या करें हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रल से करें। हम अब आप गाइड कर रहे हैं एक के अगर जो है मान लीजिए काम करना है हमें कुछ लिखने का, लेकिन अगर हमारी सूर्य नाड़ी चल रही हो तो फिर हम कैसे करेंगे, आज तो हमारा मन ही नहीं लगेगा, हमें है सूर्य सिंपल सी छोटी सी टेक्निक कहा जा रहा है एक स्वर को चलाने के लिए, फॉर एग्जांपल कि अगर आप ऐसी कोई परिस्थिति आप चंद्र नाड़ी से रिलेटेड काम करना है लेकिन चल रही है सूर्य नाड़ी, अरे क्या करेंगे, मैंने तो ये अपनी सूर्य नाड़ी को आप सही इस प्रकार से बंद करेंगे, आपको माना नहीं जा रहा कहीं ना कहीं चंद्र नाड़ी से श्वास लेना आरंभ करेंगे, सही ऐसा आप जब 10 से 12 बार करेंगे तो आप देखेंगे चंद्र नाड़ी जो है वो तो कुल मिलाकर डिवाइन है, तो उसके बाद आप अपना कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना देर के अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं, किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं लगानी है, जानते हैं मूलांक किसी प्रकार का ऐसा कोई वादा नहीं करना गुजरने वाला है, परमात्मा हमें क्या गाइड कर रहे हैं 30 अगस्त 2023 के लिए, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और हमें गाइड किया जा रहा है पावर का कार्ड है, कहा जा रहा है जरूरी नहीं है कि आप सही हो तभी किसी कार्य में आप आगे बढ़े, सही गुरु कृपा बनी हुई है और इतनी अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी बात, आपको क्या करना है, जरूरी नहीं है, आपको फोकस करना है अपने इंटेंशन के ऊपर और आप चीजों को प्राप्त कर लेंगे। अगर मैं बात करती हूं कि अगर आपका कोई आज इंटरव्यू है, अब मेरी तारीफ अच्छे से आप अपना जो है प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, चुप तरीके से आज आपको कहीं बोलना है, कम्युनिकेट करना है, सफलता आपकी जो वाणी है वो भी बहुत प्रभावशाली रहने वाली है, बशर्ते पहला कदम आपको आज उठाना पड़ेगा, जो भी कुछ आप कार्य करना चाहते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली जानते हैं मूलांक दो के लिए हमें हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं, जानते हैं मूलांक दो के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, मूलांक दो के लिए हमसे कहा जा रहा है मूलांक दो जिसके साथ
और मूलांक दो के लिए हमसे कहा जा रहा है कि सन और कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आप काफी ज्यादा दोनों के ही आ रहे थे, कोई ना कोई चैलेंज आपके समक्ष आ रहा था, कभी मन से आप परेशान हो रहे थे, कभी तन से परेशान हो रहे थे, कभी धन से परेशान हो रहे थे, और अगर खुद की प्रॉब्लम नहीं थी तो फैमिली में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो समय है वो आपके फेवर का बनना शुरू हो गया है, तो आपको क्या कहना है, यहाँ तक आपको देना है खुद भी अपने आपको आज जज नहीं करना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ अपनी तारीफ करूँ, बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ, शिकायत नहीं करनी, भगवान इतने दिन तुमने कैसे बिताए, भगवान मैंने ऐसे दिन कैसे बिताए, बिल्कुल नहीं करनी है, काम करने की जरूरत है, आपको फॉल्स कहते हैं ना, किसी को भी दोष नहीं देना, कहते हैं बुरा जो देखकर मैं गया, बुरा ना मिलिया कोई, विचारों में नहीं उलझना है, जो कि आपको आपके जो भी कुछ है वो आज मेरी वजह से है, मेरे अपने कर्म की वजह से, इस बात को एक्सेप्ट करें और परमात्मा का धन्यवाद दें कि बुरी से बुरी परिस्थिति में भी उन्होंने आपको संभाल के रखा। जानते हैं और आप देखेंगे कि आप और भी कुछ बड़ा पाने के हकदार हैं, आज क्या गाइड कर रहे हैं 28 अगस्त 2023 जानते हैं मूलांक 3 के लिए और हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, जा रहा है एयर का 30 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं सेंचुरी का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन थोड़ी बाहरी दुनिया की तरफ ध्यान देने के बजाय देखना चाहते हैं अपनी तरफ नहीं है, बल्कि दुनिया में ध्यान आज अपने विचारधाराओं में कैसे काम कर रही है, अरे वो मुझसे ज्यादा सक्सेस पा रही है, अरे पैटर्न पे चले आ रही है, पैटर्न चला आ रहा है, ये सब कहीं ना कहीं आपको ध्यान नहीं देना है, नहीं दिला पा रहा कि मुझ में क्या कमी है, ओल्ड मैं अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकती हूँ, किसी भी प्रकार किसी भी प्रोफेशन में बार बार करने पर कैसे काम प्लानिंग है, अगर एक ही प्लानिंग से सफलता नहीं मिल रही है तो प्लान और इसके लिए आज मेडिटेशन करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा शांत रखना चाहिए, मूलांक 4 के लिए हमारे जितना हो सके आज हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 28 अगस्त 2023 के लिए, आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, 30 अगस्त 2023 के लिए हाई प्रेस का कार्ड है, मूलांक 4 के लिए कहा जा रहा है कि हीलिंग का कार्ड है, कहा जा रहा है कि आज के दिन आज आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि कहीं ना कहीं रूप से आप जो भी कुछ आज आप विचार करने वाले हैं वो कहा जा रहा है कि अगर लेंगे विद्यार्थियों को परीक्षा है सफलता अपने परिवार या आसपास के लोगों जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं क्या करना है, अपनी वाणी अपने अपनी प्रोफाइल के मुताबिक सकारात्मक अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, आपका जो टैलेंट है वो लोगों के समक्ष आएगा, कुल मिलाकर आज का दिन बहुत अच्छा है, इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में ले और अपने कार्यों को आप पूर्ण करें, आपका दिन जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें पाए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे एंजल्स के लिए और मूलांक 5 के लिए 28 अगस्त 2023 के लिए साइकिल का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि हमसे कहा जा रहा है ओरेकल का भी कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा विशेष उतार चढ़ाव में भी निर्णय लेना है, सुबह की कोई महत्वपूर्ण काम करना है तो दिन में थोड़ा लो फील करेंगे, जाइए शाम को सही समय का इंतजार कीजिए, आज के दिन आपको पैसे के लेन देन में भी सावधानी बरतनी है एनर्जी और कहीं पर भी आपकी साइकिल में भी दस्तावेज पर मान सम्मान रखना है तो सोच समझ के करें, थोड़ा सा मिला के आज का दिन नोट अच्छा है लेकिन किसी भी प्रकार के करना नए कार्य के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए विशेष तौर पर पैसे का जहां पर बात आती हो समय समय की बात होती है, आपका डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 28 अगस्त 2023, आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है प्रोटेक्शन गार्डन का कार्ड है, इसके लिए कहा जा रहा है कि कई बार मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है फ्रेंडशिप का कार्ड है, आपको लेकर जा रहा है कि क्या होगा आगे, जो है पुराने मित्र चलेगा अपने परिवार को लेकर, आपके मित्र हैं वो आपकी सहायता करते मन में रहती हैं के लिए और इसके लिए आप निरंतर यदि आप अपने पार्टनर के साथ भी काम कर रहे हैं पार्टनरशिप में जा रहा है कि आपकी बहुत अच्छा चलने वाला है, आज का जो दिन है आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आज के दिन विशेष तौर पर आपको क्या करना है कि आपकी जितनी भी डर की एनर्जीज हैं जो आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए उससे आज हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं और बेफिक्र होकर काम आगे कीजिए किसी भी प्रकार के और मूलांक 7 के लिए क्योंकि जितना ज्यादा जा रहा है आप काम करेंगे उतना कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि चांसेस बढ़ जाएंगे, थोड़ी सी मिक्स फीलिंग आपको आ सकती है, मिक्स एनर्जी जानते हैं कभी तो आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कभी आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा आलस से जो आपके भीतर भरा हुआ है, 28 अगस्त 2023 की प्रक्रिया आज हो सकती है और मूलांक रूप से भी आज जो है हमें उतार चढ़ाव महसूस करने वाले हैं, ऐसे में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन खास तौर पर कार्ड है आपको कहा जा रहा है व्यवसाय को लेकर या बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट
अगर आपको रिलेशनशिप व्यवसायी है या किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो सही समय का इंतजार करना है और अगर आज ही चीजें करना जरूरी है क्योंकि जितना अधिक बेस्ट आपका प्लानिंग पार्ट होगा उतना ही अच्छी आपकी ग्रोथ होगी। आज का दिन आइए जानते हैं जाएगा वो आज के लिए मैनेज करने में जाएगा, प्रोडक्शन में जाएगा, प्रोडक्टिविटी पर जाएगा, जो विद्यार्थी होंगे या परीक्षा की तैयारी के लिए हमें कहां जा रहा है, प्रयास करेंगे और कुल मिला के आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस आज आप महसूस कर सकते हैं, गुड अपॉर्चुनिटीज भी आप अपनी चीजों को पूरा कर पाएंगे, नई नॉलेज कैसे पूरे कर पाएंगे, आपकी प्लानिंग में आपकी सहायता करेंगे। बिना प्लान के कोई काम करेंगे तो फिर आपका नुकसान आ जाएगा। आज के दिन बहुत जरूरी है कि जो भी कोई कदम आप आगे बढ़ रहे हैं आपकी जो गाड़ी नहीं लाने के लिए साथ में आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। आइए जानते हैं अगर आप 8 के लिए हमारे एजेंट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है 28 अगस्त 2023 के लिए परमात्मा पर भरोसा रखें। 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है पीस की पर का कार्ड है, देखो कार्ड आज जो है ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है। जानते हैं ना कहीं जो आज के लिए एनर्जी हमें परमात्मा सन एनर्जी गाइड कर रहे हैं, सन एनर्जी ऑटोमेटिकली भीतर जो है इसके लिए जैसे एक उदाहरण के तौर पे कोई ग्लास मान लो आधा खाली है हमें और अगर उसके अंदर आज की दिन की ऊर्जाओं इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी की वो आधी भर ले रही है तो कहीं ना बैलेंस कर जाएगा आपके, लेकिन ग्लास जो प्रश्नों के उत्तर ऑलमोस्ट भरा हुआ है स्वप्न के और हाई एनर्जी उसके अंदर आएगी तो क्या वो ओवरफ्लो करेगा। तो आज कुल मिलाकर इसी प्रकार ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं मूलांक आज के पूरा करना चाहते हैं आपके जो ऑलरेडी है लाइफ में एक प्रकार का एंगर है वो अगर जन कल्याण कहीं ना कहीं आपके भीतर इस प्रकार का ईगो है जो कि नहीं है, अगर ये नहीं कह रही वो सिर्फ नेगेटिव ही होगा हो सकता है लोगों के बारे में भी हो जो कहीं ना कहीं तो यकीन मानिए आज का बनाने के लिए अच्छा है लेकिन आज वो एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी कि आज आप जो चाहेंगे उसे करना मुश्किल हो जाएगा। सफलता का दिन है कि आज जो है ना हो हड़बड़ाए नहीं अपने वाणी पर नियंत्रण रखें आज के दिन जो है वो केवल और केवल संबंधी मामलों में कुछ नए अपॉर्चुनिटीज आपको जो है वो प्राप्त हो सकती है धन कमाने के आइए जानते हैं मूलांक कमाने के जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको आज मिलती है उसे जरूर से ग्रैब करें। गाइड कर रहे हैं 28 अगस्त तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी एक से लेकर और मूलांक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्थ रहें आप सभी का मंगल गॉड आज का जो दिन है हमारे अगले एनर्जीज हैं उसके लिए कह रही हैं कि शांति बनाए रखें। मूलांक 9 के जातकों को भी यही कहा जा रहा है कि आज की जो एनर्जीज है स्वाभाविक सी बात है मूलांक 9 तो वैसे भी मंगल का है जिसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा अधिक होती है तो और ऊपर से सूर्य की ऊर्जा भी मिल जाना इसलिए कुल मिला के आज का दिन जो है वो शांति बनाए रखने का है। किसी प्रकार की हड़बड़ी ना करें, किसी भी प्रकार की हड़बड़ी में कोई निर्णय भी ना लें। आज कोई अगर महत्वपूर्ण आपको कार्य करना है तो उसको टीम में करें सो दैट आपकी जो एनर्जी है वो टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर अकेले अपने ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है ब्लास्ट हो सकता है, आपकी जो एनर्जीज है वो क्रोध के जरिए फ्रस्ट्रेशन के जरिए आज सामने आ सकती है। तो क्या करना है 9:32 शुक्र और एक मी टाइम भी निकाले आज का दिन लौकिक कार्यों के लिए। ये थी रीडिंग हमारी एक से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें स्वस्थ रहें और आज की एनर्जी जितनी ज्यादा पावरफुल आ रही है ना उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी थोड़ा सा समय अपने लिए निकाले और आज थोड़ा ध्यान अवश्य करें अपनी श्वास पर। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1 जरूरी है, श्वास को आते जाते देखना बहुत जरूरी है, थोड़े समय के लिए या लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। अभिजीत मुहूर्त आज मान्य नहीं है क्योंकि आज बुधवार है, दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। ये हैं दोपहर 12:01 और 12:52।